संपत्ति और जेल जाने से बचने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी दल की एकता नहीं, ये भ्रष्टाचारियों की एकता है। ये लोकतंत्र की धरती को आप लज्जित और कलंकित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक News 24। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार लगातार कई दिनों से विपक्षी एकता को मजबूत करने की मुहिम में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में अब 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक साझा बैठक होने वाली है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जल्द ही लेकिन इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अब इसी मामले में एक नया अपडेट सामने आया है, जहां पर इस मसले पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया कि ये नीतीश कुमार की एकजुटता की मुहिम नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों की एकता की मुहिम है। ऐसा साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है और साथ ही नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए बिहार में भ्रष्टाचार को चरम पर बताया है और कह दिया है कि नीतीश कुमार को अब बिहार से कोई लेना देना नहीं है, इसके विकास से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में आए दिन क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके का बयान विजय सिन्हा ने दे दिया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। देखिए, ये विपक्षी दल की एकता नहीं, ये भ्रष्टाचारियों की एकता है और तमाम भ्रष्टाचारी देश की एकता अखंडता के प्रति गंभीर नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से आज भाजपा के राष्ट्रवाद पर चोट कर रहे हैं। आज भारत के तमाम उन मां भारती के संतानों का, जिसका मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री कठिन मेहनत, संघर्ष, त्याग, बलिदान के बदौलत राष्ट्र को विश्व के धरातल पर गौरवान्वित कर रहे हैं, उससे घबराए हुए, इनकी दुकान बंद होने के डर से, इनके भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति कमाए हुए लोग अपनी संपत्ति और जेल जाने से बचने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र की धरती बिहार को अपवित्र कर रहे हैं। बिहार की जनता को इससे क्या मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के विकास के लिए, बिहार में नए टेक्नोलॉजी के लिए, बिहार में निवेशकों को लाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए करते सम्मेलन तो हम भी स्वागत करते, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों की जमात को और देश के अंदर चुन चुन कर जो अकूत संपत्ति कमाया है, जो वंशवाद, परिवारवाद, व्यक्तिवाद की राजनीति स्थापित की है, ये लोकतंत्र की धरती को आप लज्जित और कलंकित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आपको एलर्जी हो सकता है, लेकिन बिहार के जो लोकतंत्र की धरती है, सांस्कृतिक विरासत जो गौरव प्रदान करता है, उसको क्यों लज्जित कर रहे हैं? यहाँ की जनता आपको माफ नहीं करेगी। उस बैठक में बिहार के लिए जो भय का वातावरण बना है, निवेशक भाग रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर संभालने की बात करते, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चालू हो गया, इस पर चर्चा करिएगा? है हिम्मत? जो बिहार नहीं संभाल सका वो देश संभालने की बात करता है? ये उन नेताओं के लिए जो दूसरे देश से इस बैठक में आने वाले हैं, उनसे भी बिहार की जनता प्रश्न करेगी। जैसा कि आपने सुना कि विजय सिन्हा ने कह दिया कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं, आए दिन देश को गौरव प्राप्त कराने के लिए वो मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है इन सब तमाम चीज़ों को धूमिल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जहाँ पर मोदी पर कटाक्ष करते नजर आते हैं, लेकिन वो मोदी की उपलब्धि को समझ नहीं पा रहे हैं और आए दिन जो वो विपक्षी एकता की बात करते हैं, उनकी विपक्षी एकता पूरे तरीके से फेल है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर, जनता सब समझती है और आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को इसका जवाब भी मिल जाएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक News 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।